बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज नॉर्मल लेक्चर है इस चैप्टर का। थ्री पॉइंट वन प्रॉब्लम है। 20 न्यूटन फोर्स मूव ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। व्हाट इज इट्स मास? अब फोर्स कितनी है हमारे पास? 20 न्यूटन। कितनी है? 20 न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है आप सिर्फ एफ और ए भी लिख दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए? वो कह रहे हैं मैस आपने मालूम करना है। व्हाट इज इट्स मैस? सॉल्यूशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। एफ कितना है? 20, ए क्या है? 2, तो हमारे पास मैस क्या आ जाएगा? 10 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम, ठीक है जी। अच्छा जी, द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मैस? ये भी उसी तरीके से है। वेट डब्ल्यू क्या है? 147। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। और आप हम जानते हैं, हमें पता है डब्ल्यू क्या होती है, एम जी, और एम है डब्ल्यू ओवर जी। तो इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें तो ये हमारे पास जो वेट है डब्ल्यू ओवर जी 147, और ये 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14.7 किलोग्राम मैस आएगा, ठीक है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग? कहते हैं एक बॉडी जो है वो गिर रही है, उसको गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होती है, और उस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है। क्या है? 10 किलोग्राम। अब फोर्स वेट के बराबर ही लगाई जाएगी ना। क्या है फोर्स वेट के? अब नीचे ये देखें, ये एक बॉडी है, तो जितना इसका वेट होगा उतनी ही फोर्स लगाएंगे तो ये गिरेगी नहीं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, डेटा जो दिया गया है मैस 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिएक्शन, यानी उसका वेट का रिएक्शन या फोर्स। वी नो दैट इन स्टेबल पोजीशन में दोनों रिएक्शन वेट के बराबर होते हैं। अभी मैंने बनाया था, दोबारा बना के बता देता हूँ। ये तो हमारे पास वेट हो गया, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और अच्छा जी, तो हम ये रिएक्शन जो है वेट के बराबर है, तो हमारे पास ये एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो जो हमें फोर्स या रिएक्शन चाहिए वो कितना होगा? 100 न्यूटन, ठीक है जी। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग विल बी 100 न्यूटन है। क्या ये न्यूटन? ठीक है जी। फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ए मास ऑफ 50 किलोग्राम। आपने एक्सेलेरेशन मालूम करना है, बॉडी का मास कितना है? 50 किलोग्राम है। डेटा,
फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, मैस ऑफ द बॉडी 50 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन आपने मालूम करना है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो इसमें वैल्यू दर्ज कर दें 100 ओवर 50, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फाइव, ए बॉडी हैज ए वेट, एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेट ऑफ द बॉडी 20 न्यूटन, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो क्या है W इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू W ओवर जी। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू एम ए, इसमें आप पुट कर दें 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 न्यूटन, कितना आएगा 4 न्यूटन, ठीक है जी। अच्छा जी, नेट फोर्स एक्टिंग टू मूव द बॉडी अपवर्ड, ऊपर जाने के लिए कितनी जितनी फोर्स चाहिए उसका रिएक्शन और प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलेरेशन, तो ये 20 न्यूटन था प्लस जो एक्सेलेरेशन पैदा करने के लिए 4 न्यूटन, इसमें ऐड कर दें 24 न्यूटन। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विल बी इक्वल टू 24 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 24 न्यूटन। टू मैसेस, ये M1 है 52 किलोग्राम एंड 40, M2 क्या है 42 किलोग्राम आर अटैच टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली के ऊपर से गुजरे दो बॉडीज जो एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं रस्सी से, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। तो आप पहले आप देखें ये मैस, पहला M1 क्या है 52, M2 क्या है 48, तो G की वैल्यू 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता है, और एक्सेलेरेशन आपने फाइंड आउट करना है और टेंशन मालूम करनी है, ठीक है। When two bodies are moving vertically upward, acceleration of body is equal to A is equal to m1 m2 into g over m1 plus m2. इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज कर लेंगे, क्या करेंगे वैल्यू दर्ज कर लेंगे। अच्छा जी, एक गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ पे ये क्या है माइनस है, क्या है माइनस, चले अब ठीक हो। प्लस होता तो कट जाते दोनों ऊपर और नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आप इसमें वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो ये देखें, ये M1 M2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये M1 प्लस M2, तो ये 40 ओवर 100 आ जाएगा, तो कट के हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्सेलेरेशन है। अच्छा, व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड टेंशन इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। इसमें आप वैल्यू दर्ज कर लेते हैं 2 इंटू 52 इंटू 48 इंटू जी की वैल्यू 10 और इस तरह से नीचे क्या है 52 प्लस 48, तो ये हमारे पास 499,200 आ जाएगा, और ये कटने के बाद हमारे पास क्या आएगा 499.2 न्यूटन, अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन टेंशन आ गई, कितनी आएगी 500 न्यूटन। एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी आएगी 500 न्यूटन आई है। वैसे ये पहले वाला आंसर भी अगर आप लिख दें तो गलत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं।
अच्छा जी, अब ये आपने खुद करना किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, ये एक्सेलेरेशन m1g ओवर m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, यहाँ लिख दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल्कि इससे ना लिखे, वो दूसरा लिख लें। वो इधर से पॉइंटर ले लें आप, ताकि वो पक्का ही लिखा रहे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने खुद करना है, सारा दिया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कहते हैं कि आप मोमेंटम तब्दील करना चाहते हैं जिस पे फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है, कितना टाइम लगेगा? तो ये चेंज, जो चेंज इन मोमेंटम क्या है, 22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, फोर्स 20 न्यूटन, तो टी आपने मालूम कर रहे हैं, हमें पता है चेंज, ये मैंने दूसरी तरह लिखा हुआ, कोई बात नहीं। एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, 22 ओवर 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100। ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये नहीं। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास इसको टाइम ऊपर ले जाएं, फोर्स नीचे ले जाएं। क्या करें, टाइम हमने मालूम करना है, टाइम ऊपर ले जाएं, फोर्स नीचे ले जाएं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, अब आप चेंज इन मोमेंटम और फोर्स ये दिया हुआ है दोनों, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट, क्या हो रही है, गलत हो गई है, चलो अब ठीक हो गया। ठीक है, अब सही है, तो ये 1.1 सेकेंड आ जाएगा, कितना आएगा, 1.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है जी, वो गलती हो जाती है बेटे, क्या करें। अच्छा जी, अब है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। अब हमारे फर्स्ट जो है ना मार्बल का है, और ऊपर लकड़ी का एक ब्लॉक हम उसको मूव कर रहे हैं, तो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, इसके कोई यूनिट नहीं होते। अच्छा जी, अब ये देखें, मैस 5 किलोग्राम है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस 0.6 है, तो एफ एस आपने मालूम करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, तो हमारे पास ये 0.6, m5, ये 10, तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा। या स्मॉल एफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, 10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ 0.5 किलोग्राम टू मूव इन ए सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने पहले दिया हुआ मास 0.5 किलोग्राम है, और जो सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लें, 0.5 मीटर, और विलास्टी 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है, क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, तो वो आपको पता है कि एफ सी एमवी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है, इसमें वैल्यू दर्ज कर लें, तो ये एम जो है 0.5 है, और वी जो है वो 3 का स्क्वायर, ये और आर की वैल्यू 0.5 मीटर, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी 9 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर जी,
आपके ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जी बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी समीर फरमाएं। सर आपने 3.16 से लेकर 3.20 तक के नहीं करवाए सवाल जवाब। क्या? हाँ वो जो काम के हैं वो मैंने करवा दिए आपको, बाकी जो ज़रूरत नहीं है वो मैंने छोड़ दी। पिछली दफ़ा मैंने बहुत सारे सवाल भी करवाए थे और जो नहीं काम के वो मैंने रहने दिए। ठीक है यस सर। हाँ, या उसमें बुक में आ गए हैं पीछे हमने पढ़ लिए हैं तो वो मैंने नहीं करवाए। जी ओके सर। जी बच्चों और कुछ पूछना है तो? अब बच्चे कम है क्या बात है, रोजे की वजह से? चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है और मैं देखूंगा अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं फिर आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, ये अगला चैप्टर शुरू कर दूँगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।